हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रेट इंडियन किचन। यहाँ आपको मिलती है सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपीज जिनको आप झटपट बना सकते हैं। हमारी आज की रेसिपी है गुलाब जामुन। ये मैंने प्रीमिक्स से बनाए हैं जो आसपास के ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाता है। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन। फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, हम इसमें गुलाब जामुन बनाएंगे। ये गुलाब जामुन मैं इस प्रीमिक्स से बनाने वाली हूँ। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाता है। इसमें क्लियर लिखा होता है कि हमें कितनी चीनी इस्तेमाल करनी है और कितना पानी यूज करना है। मैं पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए बनाते हैं। पहले इसको खोलकर इसका डो बना लेंगे। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, बाजार की मिठाई हम अवॉइड करते हैं, तो इससे हम घर में बहुत आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको हम मुलायम लोई में गूंथेंगे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। फ्रेंड्स देखिए, गुलाब जामुन का डो लगकर तैयार हो गया। ये हमने बहुत मुलायम सा डो लगाया है, इससे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस डो को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके गोल गोल पेड़े बनाएंगे, गोल गोल ऐसे लोई बनाएंगे छोटी छोटी सी, और जिसमें कोई क्रैक ना हो। लेकिन उससे पहले हम चाशनी बनाने रख देते हैं। चाशनी के लिए फ्रेंड्स हमने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। अब जितनी चीनी थी हम उतना ही पानी यूज करेंगे। चीनी लगभग 800 ग्राम थी, तो हम पानी भी इतना ही यूज करेंगे। ये 800 ग्राम पानी लगभग इसमें ये चीनी डालेंगे। इलायची है, इसको हमने क्रश कर लिया है, इसको डालेंगे। इससे बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर आएगा। इसको पिघलने तक और सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे हम इसको। इसमें चिपचिपापन आ जाए, कोई हमें इसमें तार नहीं बनाना है, सिर्फ इसमें चिपचिपापन आ जाए, इतनी चाशनी को पकाएंगे। इधर ये चाशनी पक रही है, उधर हम लोही तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम हाथ में थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और इसमें से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे लोई बनाएंगे जिसमें कोई क्रैक ना हो, छोटी छोटी। उधर हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है, बहुत छोटे छोटे बनाएंगे ताकि अच्छे से ये ऑब्जर्व कर ले चाशनी को। फ्रेंड्स एक बार ट्राई करके देखना, मैंने इनको पहले भी बना रखा है। ये बनने में बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए, ये देखिए। चाशनी को उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए चीनी बिल्कुल क्लियर थी, हमारी चाशनी भी बिल्कुल साफ बनी है। यदि आपको लगे कि चाशनी में कालापन आ गया है तो आप इस पे 2 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए, उससे चाशनी बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो जाती है। ये देखिए, अब चेक कर लेते हैं
चाशनी में हमें सिर्फ हल्का चिपचिपापन चाहिए। हाथ लगाने से ये हल्की चिपचिपी लग रही है। चाशनी हमारी तैयार है। ये देखिए, इसने चम्मच को इस तरह से कोट करना शुरू कर दिया है। थोड़ा गाढ़ापन आपको दिख रहा होगा चाशनी का, और आप इसको लेकर किसी थाली में ऐसे डालकर इसका चिपचिपापन ऐसे महसूस कीजिए, आपको चिपचिपी लगेगी। चाशनी तैयार है। चाशनी तैयार हो गई है। हम गैस ऑफ कर देते हैं। गैस पे हमने ऑयल गरम होने रख दिया है। अब हम इसमें मीडियम फ्लेम पर गुलाब जामुनों को तलेंगे। ये देखिए, तेल गरम हो गया मीडियम फ्लेम पर, हम ऐसे महसूस कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम करते हैं और इसमें गुलाब जामुन डालेंगे एक एक करके। चलाएंगे हल्के हाथों से, राउंड राउंड करके घुमाएंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो इनको निकाल कर हम चाशनी में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन अच्छे से सिक गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। एक मिनट के लिए इनको बाहर रखेंगे और फिर चाशनी में डालेंगे। नेक्स्ट डाल देते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है। सब और से अच्छे से सेक जाएं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे गुलाब जामुन का ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। एक बार ट्राई जरूर करना, बिना किसी झंझट के घर में गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। इसको भी एक मिनट हम बाहर रखेंगे, फिर चाशनी में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। इनको अब हम एक घंटे के लिए इस शुगर सिरप में ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये इस चाशनी को अपने अंदर अच्छे से ले ले, सिरप को अच्छे से ले ले। और देखने में कितने सुंदर हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट होंगे। तो इसको हम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक बार आप ट्राई जरूर करना।